ग्राम के रास्तों पर देखा गया, जिसे देखकर ग्रामीण भयभीत थे। खौफजदा ग्रामीणों ने इन्हें पकड़ने के लिए वन विभाग से मांग की थी। प्रभारी डीएफओ संजीव झा के निर्देशन में ग्राम अंजरुद के रेस्क्यू टीम के वन्य प्राणी अभिरक्षक के टोनी शर्मा द्वारा रेस्क्यू किया गया है। ये वन परिक्षेत्र सनावत के अंतर्गत ग्राम अंजरुद के यहाँ से ग्रामीणों के द्वारा सूचना मिली थी कि एक से तीन मगरमच्छ के करीब इन्होंने देखा है। तो वैसे ही टीम गठित कर श्रीमान वन मंडलाधिकारी महोदय संजू झा साहब के निर्देशन में टीम गठित की गई, जिसमें वन परिच्छेद अधिकारी सनावत आर जी दशोरे, मैं स्वयं और टोनी शर्मा और वन रक्षक सोलंकी और रोहित बिल्ला और सुरक्षा श्रमिक हमारे इंदर सिंह तोमर और भलाजी साहब और यहाँ के ग्रामीणों का सहयोग लेकर आज दिनांक को रेस्क्यू किया गया। सुबह 10 बजे से प्रक्रिया चालू की गई थी। नाले का पानी निकाला गया इंजन के द्वारा और ग्रामीणों के द्वारा सब झाड़ी वगैरह साफ की गई और उसके बाद में एक मगरमच्छ पकड़ में आया। आगे और मतलब कब वापस कब रेस्क्यू करेंगे? इसमें कल और रेस्क्यू करेंगे, सुबह से लेके फिर शाम तक कोशिश करेंगे कि वो भी पकड़ में आ जाए। तो इस तरह से हमने आज इसकी सफलता प्राप्त की। ये जो आज मगरमच्छ पकड़ा है, इसकी उम्र वगैरह? इसकी उम्र करीबन 1 से 2 वर्ष के बीच की है। दो वर्ष है इसकी और करीब 5 फीट लंबा है। सर, इसको अभी आप कहाँ छोड़ेंगे? इसको हम सुरतीपुरा तालाब बड़वा वन क्षेत्र में छोड़ेंगे। क्या नाम लिखते हैं? आर जी दशोरे, वन परिक्षेत्र अधिकारी सनावत।